हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। जैसा कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के डिस्कशन में आपको बताया गया था कि एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें उत्तर प्रदेश में आने वाली भर्तियों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, और ये जानकारी आपको दी जा रही है दैनिक जागरण में कल के आई हुई है न्यूज़ के तहत, और वो आर्टिकल वो कटिंग भी आपको दिखाई जाएगी जिसमें ये न्यूज़ आई थी। यूपीपीएससी में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है और किन पदों पर कितनी भर्ती होगी, तो चलिए पहले वो आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल आया था कि रहे तैयार, आने वाली है भर्ती की बहार। इसमें लिखा गया है कि वर्ष 2021 युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इस साल हजारों पद की भर्ती निकालेगा, इसके लिए कई विभागों से अधियाचन मांगा गया है। अधियाचन मतलब, देखिए, जब गवर्नमेंट यानी कि जो विभाग होता है, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभागों से, जैसे मान लीजिए राज्य के जो छोटे छोटे विभाग होते हैं या बड़े विभाग होते हैं, उनसे मांगा है कि आपको किस पद पर कितने लोगों की ज़रूरत है, कौन कौन से पद आपके पास खाली हैं और उसमें कितने रिक्त पद हैं जिनको भरने की आवश्यकता है, तो इसे बोला जाता है अधियाचन। इसमें क्या होगा कि विभाग जैसे गवर्नमेंट को भेजेगा कि मुझे 17 लोगों की ज़रूरत है, जिसमें कि 5 अधिकारी और 12 क्लर्क की ज़रूरत है। तो उसके तहत फिर लोक सेवा आयोग उस पूरे आंकड़ों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर देगा। अधिकतर ने अधियाचन भेज दिया है, जबकि कुछ विभागों से यह अधियाचन आना बाकी है। अधियाचन मिलते ही भर्ती निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिन विभागों के लिए पिछले साल 2020 में आवेदन लिए जा चुके हैं, उनकी भर्ती 3 से 4 माह में पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। यूपीपीएससी का जोर नई भर्ती निकालने के साथ पुरानी भर्ती को तेजी से निस्तारित यानी कि पूर्ण करने पर भी जोर है। वैसे पुरानी भर्तियां ज़्यादा नहीं बची हैं, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले वर्ष लेखपाल और वीडियो की वैकेंसी आई थी, जिस ऑनलाइन प्रक्रिया भी हो रही थी, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के 3-4 दिन बाद उसको बंद कर दिया गया था, उस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया था। सिर्फ कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की गई है। ऐसी भर्तियों को मार्च अप्रैल तक निस्तारित यानी पूर्ण किया जा सकता है, जबकि जिन विभागों में अधियाचन जा चुका है उन उसका विज्ञापन कुछ दिनों के अंतराल में निकाला जाएगा, और जो साक्षात्कार बचे हैं उनकी भी प्रक्रिया जल्दी पूरी कर ली जाएगी। यानी ये जो आर्टिकल है ये इसलिए बनाया गया है कि जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो अब और सीरियस होकर तैयारी करें, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में काफ़ी वैकेंसी मिलेंगी, जैसे लेखपाल, वीडियो, RO, ARO, क्लर्क, जूनियर क्लर्क, और खंड विकास अधिकारी की फिर से वैकेंसी आ सकती है, लोअर PCS, अपर PCS, ये ऐसी कई वैकेंसी हैं जो आने वाले समय में मार्च तक या मार्च के बाद आपको लगातार देखने को मिलेगी। इलेक्शन भी होंगे यूपी में, तो सरकार चाहेगी कि इलेक्शन से पहले उन सभी वैकेंसियों को जल्द से जल्द पूरा करा दिया जाए। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो और करें गंभीरता से, और जिन्होंने नहीं शुरू करी है वो अब शुरू कर दें। अब इसमें हमारे चैनल का क्या रोल रहेगा? इसमें ये रहेगा कि अभी तक आपको, देखिए, इधर वीडियो की संख्या बढ़ाई गई है और आगे समय में और भी कई आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे कि मैथ के, इंग्लिश के मिल ही रहे हैं आपको, और मैथ के वीडियो अब मिलेंगे, उसके बाद फिर GS, GK, साइंस, रीजनिंग, हिंदी, हिंदी के खास तौर पर मिलेंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद सेट पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे, यानी कि यूपी गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है उनकी तैयारी भी अब आपको इस चैनल पर शुरू कराई जाएगी, जल्द से जल्द शुरू कराई जाएगी। तो अब इसमें ये आपका रोल बढ़ जाता है कि आप कितनी तैयारी करते हैं, कितना समय पढ़ाई को देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।